हमारी क्लास। आज की क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 है, न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बड़ा भी है, इसको बहुत ध्यान से आपने समझना है। अभी आप कुछ लिखवाने का नहीं है, सारा जितना भी अभी जैसे बोर्ड पूरा खाली है, टॉपिक में इतना सारा आपको छोड़ेंगे पूरा बोर्ड भर जाएंगे, तो अच्छे से आपने एक एक छोटी से छोटी बात को समझने आगे। ठीक है ना, शुरू करते हैं। पहली बात देखो, जो ह्यूमंस है वो क्या करते हैं, होलोसोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं? होलोसोइक। ठीक है ना, होलोसोइक न्यूट्रिशन में हमको पता है मेनली 5 स्टेप होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। 5 स्टेप हम लोग पता है। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। देखो सबसे पहला एक स्टेप होता है कौन सा, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, रोटी का टुकड़ा हमने लिया, रोटी का टुकड़ा उठाकर हमने मुंह में डाला, दैट ये क्या होता है हमारा इंजेशन। ठीक है ना, खाना खाने का जो हम किस तरीके से हम खाना लेते हैं वो होता है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन हमारा हो गया। इंजेशन के बाद सेकंड स्टेप हमारा आता है, मैं यहाँ पर स्टेप लिख देता हूँ, इंजेशन और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इंजेशन समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा होता है डाइजेशन। देखो ध्यान से समझना, जो डाइजेशन है ना वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से। अच्छा, पहली बात डाइजेशन क्या होता है हमें ये समझ में आना चाहिए। तो देखो सुनो भाई, हम पता है क्या, जो भी हम कोई खाना वगैरह अगर खाते हैं तो उस खाने में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे हम उनको यूज़ तभी कर पाएंगे जब उनको क्या कर पाएँ, हम बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाएँ। अब जब बॉडी में हम एब्जॉर्ब तभी कर पाएंगे जब वो क्या हो, उनको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि वो तो क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनको पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स इज नोन एज डाइजेशन। किसके द्वारा होता है ये? हमारी बॉडी में कई सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उनमें ऐसी पावर होती है कि वो क्या करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। यही क्या कहलाता है हमारा, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो सारी कहानी जो अब हम पढ़ेंगे सारी किसके ऊपर है, मेनली डाइजेशन के ऊपर है। ठीक है, तो शुरुआत सबसे पहले देखो क्या होता है, माउथ की अगर हम बात करेंगे और माउथ कंटेन्स 32 टीथ है ना, विच आर ऑफ 4 टाइप, क्योंकि तो तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं हमारे माउथ के जो पार्ट होते हैं, नाम होते हैं उनके, ये सारा विजिबल हो रहा है ना, देखना जरा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, 4 तरह का क्या होते हैं दांत हमारे माउथ में। पता है हमारी बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि इसमें हर एक जो छोटे से छोटा जो पार्ट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज है, मतलब कोई भी चीज़ बेकार की नहीं है, हर एक का कुछ ना कुछ क्या होता है, यूज़ होता है। अब जैसे देखो दांत हमारे माउथ में 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर जो है, इंसीजर और कैनाइन जो है, ये बहुत नुकीले दांत होते हैं, जो हमारे आगे वाले दो दांत जो होते हैं और उसके साइड वाले जो होते हैं, ये नुकीले दांत होते हैं। जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम सॉलिड फूड अगर खा रहे हैं, उसको चीरने का, फाड़ने का, उसको तोड़ने का, बिल्कुल टुकड़े टुकड़ों में कन्वर्ट करने का काम किनका होता है, इंसीजर और कैनाइन का। दूसरे होते हैं मोलर्स और प्री मोलर्स, ये क्या होते हैं हमारे यहाँ पर होते हैं, है ना, जो चौरस से जो दांत होते हैं वो। ठीक है, इनका काम क्या होता है, मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड, जो भी फूड बिल्कुल टूट चुका है उसको क्या करना, अच्छे से ब्रश करना, उसको मैस्टिफिकेशन करना और उसको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना। तो इन चारों का जो फंक्शन है वो क्या है, अपने आप में अलग अलग। दांत का ये काम हो गया कि टू ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल कौन से, लार्ज मॉलिक्यूल्स नहीं, हम ये बोल सकते हैं लार्ज पीसीज ऑफ फूड इंटू स्मॉल पीसीज।
रोटी का टुकड़ा बड़ा होता है उसको क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। ये काम किसका होता है, उसके बाद क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे माउथ में हमेशा हमारा माउथ कैसा रहता है, वाटरी रहता है, मतलब लिक्विड हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। वो जो लिक्विड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना। सो देयर आर थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, तीन जोड़ी लाल रंग की होती है हमारे माउथ में, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, जिनका काम क्या होता है, सलाइवा प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना सलाइवा, ये सलाइवा सीक्रेट करती है। इनके भी नाम होते हैं, एक होता है क्या, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, एक होता है क्या, सब लिंगुअल। हम बोलेंगे बोलेंगे कि तीन जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे माउथ में होती है, माउथ रीजन में होती है, ठीक है ना। मतलब जैसे मतलब एक समझ लो यहाँ पर होती है पैरोटिड, इधर एक होती है क्या, सब मैक्सिलरी, और यही क्या आसपास क्या होती है हमारे, सब लिंगुअल होती है, चीक वाले रीजन में, गाल वाले रीजन में, ठीक है ना। एक यहाँ पर तो तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती है जिनका काम क्या होता है, सलाइवा प्रोड्यूस करना। हमारे माउथ में जो इतना सारा सलाइवा आता है वो किसकी वजह से आता है, सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से आता है, ठीक है। अच्छा, ये जो सलाइवा होता है, ठीक है ना, बेटा, सलाइवा कंटेन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, या इसका एक और नाम होता है टाइलिन, समझ गए। जो सलाइवा है इसमें क्या होता है, एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, ये क्या काम करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायग्राम भी बनाना है, खैर चलो छोड़ो। ये क्या काम करता है, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो किसका डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, ठीक है। कैसा करेगा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, याद लिखेंगे हम सेलुलरी एमाइलेज, याद रखना है एक ही है, और टाइलिन में क्या होता है, ये प्री साइलेंट होता है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो है टाइलिन या सेलुलरी एमाइलेज की मदद से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, माइटोज। अच्छा, एक बार मैं आपको बता दूं, शुरू में मैंने आपको बात बताई थी वाली कि भाई फूड के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना ही क्या होता है, हमारा डाइजेशन होता है, ठीक है ना। अब जैसे सिंपल मॉलिक्यूल क्या है और लार्ज मॉलिक्यूल क्या है, कार्बोहाइड्रेट है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उसकी सिंपल फॉर्म जो होती है वो होती है ग्लूकोज, हम ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होना चाहिए, ग्लूकोज में होना चाहिए। प्रोटीन जो है, प्रोटीन की सिंपल फॉर्म क्या होती है, अमीनो एसिड, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होना चाहिए, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना चाहिए। फैट की सिंपल फॉर्म क्या होती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तभी हम क्या खाने को एब्जॉर्ब करके उससे हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर पता है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है टाइलिन की मदद से, मैंने बताया किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोज में कन्वर्ट होता है, जबकि सिंपल फॉर्म तो क्या होती है, ग्लूकोज। एक्चुअली में माल्टोज भी एक सिंपल फॉर्म है, लेकिन पूरी तरह से सिंपल फॉर्म नहीं है, इससे और सिंपल क्या होगी, ग्लूकोज होगी। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या है, पूरा डाइजेशन नहीं हो पाया अभी, क्योंकि पता है माउथ में थोड़े समय तक ही क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट रह पाता है, इसलिए कितना डाइजेशन हो पाएगा इसका, 30%, कितना डाइजेशन हो पाता है इसका, 30% डाइजेशन हो पाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा मैं अगर डायग्राम में आपको बताऊँ, यहाँ पर समझ नहीं जाते आप,
ये मैंने सिंपल डायग्राम बनाया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है देखो होता क्या है, एक एक करके नाम मैं बताता था हमको। जैसे हमारा खाना जो है, अब देखो माउथ में थोड़े समय तक ही खाना रहता है ना हमारा, उसके बाद क्या होता है, खाना अपने आप ही अंदर क्या होता है, हम निगल लेते हैं खाना। जैसे हमारा माउथ से अंदर जाएगा, यानी कि ये माउथ वाला रीजन है, ये नोज वाला रीजन है, ठीक है ना। यहाँ से हम खाना खाते हैं, यहाँ से हम सांस लेते हैं, पता है। जैसे ही खाना इधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ से लेकर ये पूरी जो है ये एक ही ट्यूब होती है, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेंगे इसको हम? एलिमेंट्री कैनाल। इसकी जो लेंथ होती है वो याद रख के आपने कितनी होती है, 9 मीटर होती है। एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है? 9 मीटर होती है, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये जो इसकी जो लेंथ होती है एलिमेंट्री कैनाल की होती है कितनी? 9 मीटर। तो यहाँ से स्टार्ट होकर लास्ट तक चलती है, ठीक है ना। अब एक नॉर्मल एडल्ट होती है, यानी अगर किसी आदमी की सारी अगर ये जो एलिमेंट्री कैनाल है निकाल दिया जाए तो कितनी हो जाएगी? 9 मीटर। 9 मीटर के तो हम भी नहीं होते, इतनी ज़्यादा लंबी ये कैनाल हमारी बॉडी में कैसे है, क्योंकि हर जगह पर क्या है, कई जगह पर एक कॉइल होकर पहुँच जाता है ना, कई जगह पर क्या हो जाते हैं बड़ी हो जाते हैं, कई जगह पर छोटी हो जाती है, इस वजह से क्या होती है 9 मीटर। अच्छा, अब यहाँ से गले से लेकर नीचे तक का जो रिजर्व होता है, ये वाला जो भाग होता है, इसको हम बात करते हैं ईसोफेगस। क्या बोलेंगे इसको? ईसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप कहते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, यहाँ से खाना इधर आ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, खाना आ रहा है। खाना जो होता है हमारा इस स्ट्रक्चर में जाता है, स्ट्रक्चर क्या होता है बताता हूँ मैं अभी, पहले भी यहीं की बात सुन रहे हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो सांस लेते हैं, अब ध्यान से समझ रहे हैं, पता है खाने की नली और हमारे सांस की नली दोनों जो होती है एक कॉमन रीजन पर आकर रुक जाती है, दिख रहा है यहाँ पर आपको बीच में कॉमन रीजन है ये। यहाँ से क्या होता है, जो खाने वाली नली होती है वो तो पेट में चली जाती है, सांस वाली नली जो होती है वो कहाँ चली जाती है, लंग्स में चली जाती है, ठीक है ना। लेकिन दोनों का कॉमन रीजन होता है, उस कॉमन रीजन को हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलेंगे उस कॉमन रीजन को? फेरिंग्स। और फेरिंग्स में क्या होता है, ध्यान से समझिए, फेरिंग्स के ऊपर ही मैंने बताया था, नहीं बताया था सुन लो, लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स मतलब क्या होता है हमारा? साउंड बॉक्स, ठीक है, जिसे हम बोल पाते हैं। खैर, फेरिंग्स एक कॉमन रीजन है जो क्या करता है, मेन काम पता है इसका क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो आपको ये वाली बात पता है कि भाई खाना जो है हमारा किस में जाना चाहिए, खाने वाली नली में जाना चाहिए। आपको ये वाली बात भी पता है कि सांस की नली और खाने वाली नली का क्या एक कॉमन रीजन है। अब देखो कई बार क्या हो जाता है, खाना सांस की नली में ना चला जाए, इसके लिए भी एक क्या एक प्रोविजन है, मतलब भगवान ने इतना अच्छा ये हमारा एक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी ऐसी बना रखी है कि हर छोटी से छोटी चीज़ का क्या है ध्यान रखा गया है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये सांस की नली, सांस की नली का जो स्ट्रक्चर जो होती है, जो छेद होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलेंगे इसको? ग्लोटिस। इसके ऊपर एक ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। जब हम खाना निकलते हैं, खाना नीचे आएगा, तो वो जो खाना जो निकलेगा ना वो इसको ऐसे दबा कर आएगा, मतलब इसको पहले ऐसे कर देगा तब खाना इधर जाएगा, यानी कि ग्लोटिस जो है हमेशा एपिग्लोटिस से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। जब जब हम खाना निकलेंगे, खाना क्या हो जाएगा, एपिग्लोटिस क्या कर देगा, इसको कवर कर देगा। अल्टीमेटली खाना कहाँ जाएगा हमारा? फूड पाइप में जाएगा, यानी कि ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप, ठीक है ना। सांस की नली में खाना इसलिए हमारा नहीं जा पाता, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ और होती है जो लास्ट में बताऊंगा मैं, खैर ये वाली बात समझ में आ गई। उसके बाद जो खाना है हमारा एंटर करता है एक मस्कुलर ऑर्गन में, ये जो मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन है इसको हम बोलते हैं स्टमक। क्या बोलेंगे इसको? स्टमक, ठीक है। अब स्टमक में क्या होता है, पहले मैं यहाँ पर एक बार नाम लिख दूँ इसके, क्योंकि फिर मुझे दूसरे बोर्ड पर जाना पड़ेगा। ये होता है लीवर, ये होता है पैंक्रियास, ये होती है क्या स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये होती है क्या लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है भाई। अब एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं, स्टमक के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में।
ठीक है। देखो तो स्टमक इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, पूछा जाता है क्वेश्चन। अब जैसे आपके एमसीक्यूज वगैरह में है ना, तो इसलिए उसमें छोटी छोटी बात याद रखनी जरूरी है, ठीक है ना। मान लो ये पूछ लिया सारे बड़े ग्लैंड्स कितने होते हैं, नाम बताओ उनके, तो इसलिए हर चीज जरूरी है, ठीक है ना। तो एक मस्कुलर क्या होता है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है जिसको हम स्टमक कहते हैं। इट हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसमें पता है क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं कई सारे जो क्या काम करते हैं, विच सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर से क्या रिलीज होता है, एक लिक्विड रिलीज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है HCL, एक होता है क्या पेप्सिन एंजाइम, और एक होता है क्या म्यूकस, ठीक है। HCL क्या काम करता है, HCL के दो फंक्शन। पहला फंक्शन देखो, आप एक खाना खाते हो, अब खाने के साथ साथ कई सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो ये HCL क्योंकि एसिडिक होता है, ये क्या करता है, उनको किल करता है, यानी इट किल द माइक्रोब्स, इट किल द माइक्रोब्स विच में एंटर इन अवर बॉडी थ्रू फूड। जब फूड के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, उनको क्या करता है, किल करता है, पहला फंक्शन ही होता है इसका। दूसरा फंक्शन क्या होता है स्केल का, जब जिक्र है पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम जो होता है ना, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का, लेकिन ये अकेले नहीं कर सकता, इसको प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए किसकी मदद चाहिए, HCL की, मतलब एसिडिक मीडियम चाहिए। तो ये क्या काम करता है, HCL जो है इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो बोलेंगे क्या, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू पेप्सिन एंजाइम, टू पेप्सिन एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है, समझ गए पहली बात। अच्छा अब बात करते हैं किसकी, पेप्सिन एंजाइम की, इसका क्या काम होता है भाई, इट डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन, ये प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है, पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ HCL। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख देंगे, तो ये है प्रोटीन, यहाँ पहले नंबर पे क्या आएगा, पेप्सिन एंजाइम, और यहाँ पर क्या आएगा, HCL, दोनों की मदद से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्टोन। अगेन प्रोटीन की सुपर फॉर्म क्या होती है, अमीनो एसिड होती है, लेकिन अभी उसका मतलब क्या है, पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या बन रहा है, पेप्टोन बन रहा है, प्रोटीन से क्या बन गया, पेप्टोन बन गया, ठीक है। अच्छा तीसरा होता है क्या, म्यूकस, म्यूकस का काम क्या होता है भाई, देखो आपको पता है हमारी स्टमक में HCL रिलीज हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है स्टमक में, ये जो स्टमक की जो वॉल्स है ना, इसमें अंदर जो क्या होता है, HCL होता है, और ये जो HCL है ये कैसा होता है, एसिडिक, मतलब इतना ज़्यादा एसिडिक होता है, जरा सा भी अगर हाथ पर गिर जाए तो हाथ जल जाएगा, और ये एसिड तो हमारे पेट में है, तो हमारे पेट भी क्या हो सकता है, जल सकता है। उससे प्रोटेक्शन के लिए स्टमक की जो इंटरनल वॉल होती है, दिखाई देती है स्टमक की इंटरनल वॉल, तो इंटरनल वॉल में क्या होता है, म्यूकस की लेयर होती है, इसकी लेयर होती है म्यूकस की, जो हमारे स्टमक की वॉल को HCL के जल, HCL से जलने से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ठीक है ना। यानी कि इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम बर्निंग विद HCL, HCL से चलने से क्या करता है, उसके लिए बचाता है, समझ में आ गई बात, स्टमक यहाँ पर हमारा हो चुका है खत्म। अब क्या होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में तीन चीज़ें थी, तीनों ने अपना अपना क्या कर लिया, काम कर लिया। अब उसके बाद मेरे को बताओ, जो खाना है यहाँ पर सारा कैसा हो गया, एसिडिक, खाना सारा कैसा हो गया, एसिडिक। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझना है, ये स्टमक हो गया, स्टमक के बाद में अगला यहाँ से स्टार्ट, ठीक है, लीवर,
देखो भाई खाना यहाँ पर क्या है सारा एसिडिक है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज, हिंदी में कहते हैं अग्नाशय, ठीक है। स्टमक को हिंदी में क्या बोलते हैं अमाशय कहते हैं, या अमाशय होता है या अग्नाशय होता है। अब ये जो स्टमक है इसमें खाना सारा कैसा है एसिडिक है। यहाँ पर जो पैंक्रियाज दिख रहा है ना, पता है पैंक्रियाज में से एक जूस निकलता है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस, लेकिन वो तभी काम कर पाएगा जब खाना सारा कैसा हो बेसिक हो, खाना हो सारा कैसा बेसिक, इसको बेसिक मीडियम मतलब एल्कलाइन मीडियम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारा खाना कैसा आ रहा है एसिडिक आ रहा है, तो ये तो काम कर ही नहीं पाएगा। इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है यहाँ पर लीवर। लीवर क्या करता है ध्यान से समझ लेना, पहली बात इट इज द दिखाई दे रहा है ना देखना बिल्कुल है ना पूरा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। लीवर क्या है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है ना, हैविंग वेट ऑफ 1.5 kg। इसका वजन कितना होता है वेट के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है ना, कितना साइज के हिसाब से 1.5 किलो के होता है, ठीक है नॉर्मल एक अटेंड। अब लीवर का काम क्या होता है देखो, लीवर में पता है क्या करता है, लीवर में जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, इस गॉल ब्लैडर से ही क्या सिक्रेट करता है, ये बनाता है क्या बाइल जूस। लीवर क्या सिक्रेट करेगा बाइल जूस करता है। ये जो बाइल जूस है इसमें भी कुछ सॉल्ट होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, उन दोनों सॉल्ट होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है। अच्छा बाइल जूस का काम क्या होता है, दो काम होते हैं बाइल जूस और बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पहला काम यहाँ से जो सारा एसिडिक फूड आ रहा है, यहाँ से सारा क्या आ रहा है एसिडिक फूड आ रहा है, उसको क्या करना बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना, बेसिक में कन्वर्ट कर। भाई यहाँ से सारा अगर एसिडिक खाना आ रहा है यहाँ से बाइल जूस रिलीज होना शुरू हो गया और खुद ये बेसिक है तो सारे खाने को भी क्या कर देगा बेसिक कर देगा। आपको पता है एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करते हैं, तो ये एक तो दो काम, एक तो न्यूट्रलाइज करेगा, दूसरी बात क्या है ये ज़्यादा बेसिक हो गया तभी तो खाने को भी क्या कर पा रहा है बेसिक कर पा रहा है, तो एक तो एसिडिक फूड को क्या कर देता है ये बेसिक में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा काम पता है क्या करता है ये एसिड बाइल जूस विच कन्वर्ट एसिडिक फूड इनटू बेसिक एंड ब्रेक डाउन लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल। लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को किसमें कन्वर्ट करता है स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल, ठीक है। इस प्रोसेस का भी एक नाम होता है, पता है किसी को, हाँ इमल्सिफिकेशन। लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स या ग्लूकोज करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या करता है ये हेल्प करता है कौन बाइल जूस, जो लास्ट फैट मॉलिक्यूल को क्या करेगा स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। खैर एक बात ध्यान रखना, कई बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्लियर करेंगे खाना जो है कभी भी लीवर में नहीं जाता, कुछ बच्चे खाने को लीवर में ले जाते हैं, लीवर में नहीं जाता, लीवर से ट्यूब निकल रही होती है जिसमें बाइल जूस होता है, वो बाइल जूस इसमें आती है। अच्छा एक बार इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया आप लोगों को, देखो ये स्टमक है, स्टमक जैसे खत्म होता है उसके बाद ये वाला पार्ट शुरू हो गया, स्टमक के खत्म होते स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं तीन, एक ये जो आपको यू शेप पार्ट दिखाई दे रहा है यू जैसी शेप जो बन गई है इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किधर वाला पार्ट जो होता है जेजुनम, उसके नीचे वाला पार्ट होता है इलियम, कितने पार्ट्स होते हैं तीन, ड्यूडेनम जेजुनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ मुझे इधर समझो ना ड्यूडेनम जेजुनम और इलियम, मतलब शुरू वाला जो कॉइल्ड पार्ट होता है वो जेजुनम और उससे ज़्यादा हाईली कॉइल्ड पार्ट जो होता है जब बहुत ज़्यादा इसमें इंटेस्टाइन घूमी हुई होती है उसको क्या करते हैं इलियम, ठीक है। खैर खाना ड्यूडेनम से होते हुए कहाँ आ रहा है आगे बढ़ रहा है,
आगे यहाँ पर क्या है पैनक्रियाज है। अब पैनक्रियाज अपना काम शुरू करेगा, क्यों शुरू करेगा, खाना सारा क्या हो चुका है बेसिक हो चुका है। अब पैनक्रियाज के बारे में हम बात करते हैं। देखो पैनक्रियाज जो है उससे भी एक जूस निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, क्या बोलेंगे इसको पैनक्रियाटिक जूस कहेंगे। और उस पैनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं तीन एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होगा तीन एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है एमाइलेज और एक होता है क्या लाइपेज। तीनों में अलग अलग काम है। ट्रिप्सिन क्या करेगा जो भी सारा प्रोटीन बचा होगा बॉडी में वो उसका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा किसमें अमीनो एसिड में। एमाइलेज क्या करेगा जो भी सारा कार्बोहाइड्रेट होगा कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें ग्लूकोज में। और जो भी सारा फैट होगा लाइपेज क्या करेगा उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये सिंपल फॉर्म हो गया, यही तो हमें चाहिए था। तो खाना यहाँ पर क्या हो गया हमारा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि ये जो फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन हुआ है फूड का क्या हुआ जो कंप्लीट डाइजेशन कोई पूछे कहाँ होता है तो याद रखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन कहने को तो स्मॉल है लेकिन बहुत बड़ी होती है। टोटल एलिमेंट्री के नाम मैंने बताया कितनी होती है 9 मीटर होती है, उसमें से लगभग 6 मीटर की तो क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है जो लगभग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और यहाँ तक आगे तक चलती होती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पर अगर हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो लेकिन अभी भी क्या होता है कुछ अगर डाइजेशन ना हो पाया हो या बच गया हो थोड़ा बहुत उसके लिए क्या होता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है आगे वाला पार्ट जो होता है ये दो पार्ट होते हैं इनमें से भी जूस निकलता है जिसका नाम होता है सकस एंट्रिकस। क्या नाम होता है उसका सकस एंट्रिकस। ये क्या काम करता है ये हेल्प करेगा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड में। जब ये बचा कुचा जो रह जाता है उसको क्या करता है कंप्लीट डाइजेशन ये कर देता है। तो यहाँ पर आकर हमारा क्या कंप्लीट हो गया डाइजेशन कंप्लीट, ठीक है। अभी सिर्फ डाइजेशन कंप्लीट हुआ है अभी तो 3 स्टेप हमारे और बाकी हैं एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। एक बार इतना मत करो